बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। दोस्तों, सहारा रिश्ता मरकज यूट्यूब चैनल के प्लेटफार्म पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए एक 33 साल तलाक याफ्ता गवर्नमेंट टीचर खातून का रिश्ता लेकर हाजिर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये रिश्ता आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस रिश्ते की तफसील जानने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाले नए रिश्ते की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं बला ताखीर आज के रिश्ते की जानिब। आज मैं जिस खातून का रिश्ता आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उस खातून की उम्र 33 साल है और ये तलाक याफ्ता है। इसकी तालीम एमए है, इसकी कास्ट जट है और इसकी जो मादरी जबान है वो पंजाबी है। इस खातून का कद 5.6 फुट है, रंग इसका सफ़ेद है और वज़न इसका 60 kg है। ये खातून गवर्नमेंट मुलाजम हैं, टीचर हैं, बेसिक पे स्केल 14 में। इस खातून का तलक तहसील फालिया से है, यहाँ इनका अपना ज़ाती घर है। इस खातून के वालदैन जिंदा हैं, वालद साहब जिम्मेदार हैं और वालदा इनकी जो है वो घरेलू खातून है। इसके 4 भाई और 4 बहनें हैं, सब के सब शादीशुदा हैं और अपने घरों में आबाद हैं। इस खातून की शादी हुई थी मगर बदकिस्मती से नाकाम हुई। लड़के वाले बहुत ही गलत और लालची लोग थे, इसलिए इस लड़की ने जल्द जल्द उनसे छुटकारा हासिल कर लिया था। अब ये बहुत दोबारा जल्द जल्द शादी करना चाहती है। इसकी डिमांड है कि लड़का बस पढ़ा लिखा हो, दूसरी शादी वाला हो तो कोई बात नहीं, मगर पहले से बच्चे वगैरह ना हो या बीवी ना हो। अगर हो भी तो इसको वो अलग घर दे। ऐसी फैमिली जो इसको लड़की को अलग घर दे सकते हैं और पहले बीवी या बच्चे वगैरह मौजूद हैं और वेल सेटल है तो वो ज़रूर रब्ता करें, या फिर ऐसे हजरा जो रनवे हैं या अपनी बीवी को तलाक दे चुके हैं, बिजनेसमैन हैं, तालीम याफ्ता हैं या अपना रोज़गार कमाते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वो भी रब्ता कायम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह रिश्ता आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। हाँ, ये एक बात आपको बताता चलूं कि इस खातून का कोई बच्चा वगैरह नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।